हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीटेक एजुकेशन में। आज मैं लाया हूँ आपकी नई वीडियो, जो हाल ही में वैकेंसी जैसे रेगुलर आपके लिए अपडेट रहती है। तो आज एक नई वैकेंसी के साथ आया हूँ मैं आपके चैनल पर। तो आज जो वैकेंसी आप देख रहे हैं सामने, इसको नोट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सैनी स्कूल मिजोरम में आपकी वैकेंसी आई है, और वो भी TGT लाइब्रेरियन सुपरिटेंडेंट, बहुत सी अदर पोस्ट आपके लिए इसमें वैकेंसी जो आई है। तो फुल नोटिफिकेशन आपको बताया जाएगा किस तरह आपको फॉर्म भरना है, किस तरह आपको अप्लाई करना है, कब इसकी लास्ट डेट है, कब ये ओपन होगा। तो वीडियो शायद माध्यम बने रही, और मैं पहले जानकारी दे देता हूँ। फर्स्ट डेट इसकी आज की, ये आपको जो फॉर्म ऑफलाइन है, आपका ये फॉर्म भर के सेंड करना होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 तारीख है। थोड़ा एक बार ध्यान सुन लें, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 फरवरी है, और जो इसका फॉर्म जो भर के आपको सेंड करना है, तो इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन ही है, आपको फॉर्म भरकर भेजना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर और DD साथ में, और अन्य जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको दी में ही दी गई जानकारी दोस्तों ज्यादा पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर करते जरूर चले, और चाहे को सब्सक्राइब नगर ना बोले ऐसी नई नई नोटिफिकेशन देखने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्टली पेज पे जा सकते हैं। सैनिक स्कूल मिजोरम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वैकेंसी ली है, ऑल ओवर इंडिया के कहीं की भी निवासी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, TGT की एज लिमिट दी गई है, किसे पैसा ली गई है, तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको इस डेट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। ये जो डेट दी गई है आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपकी डेट नापी जाएगी, और उसमें आपको देखा जाएगा कि आपके अंदर एज लिमिट है, और जो अदर पोस्ट है 1850 साल के अंदर दी गई है। तो पहले वैकेंसी देख लेते हैं आप, ये TGT वैकेंसी निकली हुई है, इंग्लिश निकली हुई है, और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है इसके अंदर, डिग्री मांगी है 50% से PEd आपके, और प्लस CTET आपका क्वालिफायर होना चाहिए, ये सुपर टेट के पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल की मांगा है, हाई स्कूल आपका प्रिंसिपल इको स्पोर्ट NCC आपके पास कुछ कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसमें दिया गया पे सेल आप देख सकती हैं, लेवल जो आपका 7 का है, पे सेल आप देख सकते हैं 44,900 रुपये का इसका पे सेल दिया गया है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर TGT और मैथ रेगुलर वाली वैकेंसी दी गई है, उसके लिए भी यही मैथ बैचलर डिग्री में आपके 50% होनी चाहिए, BEd प्लस आपके पास CTET होना चाहिए, तो दोनों के लिए ही चीज उसमें दी गई है, और दोनों के ही लेके ही पे सेल इसका दिया गया है, देख सकते हैं। और जो तीसरी वैकेंसी आप देख रहे हैं लाइब्रेरियन की, बैचलर डिग्री मांगी है लाइब्रेरियन साइंस से, 50% इसकी होनी चाहिए आपको, जो इसमें कन्वेंसिव फ्लेंटी इंग्लिश की इंग्लिश जो नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की भी इसमें जानकारी होनी चाहिए। तो ABC जो तीनों पोस्ट देख रहे हैं आप, ये तीनों इसके लिए कंपलसरी, एक ही वो डिमांड इसमें रखी गई है पे सेल के अनुसार। नीचे चलते हैं आपको दिखा देते हैं, कोई वैकेंसी जो ओपन निकली हुई है, एक पोस्ट में लिखी है सुपरिटेंडेंट की, सुपरिटेंडेंट वैकेंसी में जो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन मांगी हुई है, 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है या UDC का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर का। उसमें देख सकते हैं एबिलिटी जो आपके इंग्लिश आपके इम्प्रूवमेंट से मांगा गया है, और पे सेल्स का 6 लेवल दिया गया है, 5,400 रुपये से दिया गया है, और एज लिमिट जैसे मैंने बताया आपको 1850 के अंदर एज लिमिट दी गई है। और अब UDC आप डिवीजन क्लर्क में जो दिए गए आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन आपको मांगी हुई है, प्लस 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेंट्रल या कॉम्बिशन में ऑफिस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी नॉलेज अपनी दी गई है, कंप्यूटर शॉर्ट इंस्टेंट आपको शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए इंग्लिश की, और प्लस आपका MS Word, Excel और पावर पॉइंट के इंटरनेट की जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। इसका पे लेवल देख सकते हैं, आपका पे लेवल जो दिया गया है इसमें आपका लेवल 4 दिया गया है, 25,500 रुपये। तो ई और एफ के दोनों के लिए सेम है, इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन चेंज है। LDC के जो रेगुलर देख सकते हैं पोस्ट में, एक पोस्ट है तो हाई स्कूल से मांगी हुई है, प्लस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 40 पर मिनट की, तो दोनों के लिए सेम कंपटीशन वही रखा गया है। और पे सेल आप देख सकते हैं लेवल जो उसका 2 ईयर 1990 रुपये का। तीसरी पोस्ट देख सकते हैं आप, जो जी में देखिए वार्ड बॉय मेल की, ये आपकी रेगुलर पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी पोस्ट होगी है, जैसे अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, जैसे सभी के फॉर्म भरने हैं, वो आपको आगे नॉलेज बताई जाएगी, जिसमें हाई स्कूल मांगी गई है, प्लस आपकी इंग्लिश आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और BA BSc बी होम डिग्री आपके पास हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, स्पोर्ट आर्ट कोर्स में हो सकता है। तो सैलरी जो उसकी 20,000 पर मंथ दी जाएगी, और PET की इसमें वैकेंसी दी गई, देख सकते हैं आप, PR टीचर कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो कॉन्टेक्स्ट में वैकेंसी की भी है, बैचलर डिग्री आपके पास फिजिकल एजुकेशन का होना चाहिए, प्लस 3 ईयर या आपका 5 ईयर का आपको स्पोर्ट नॉलेज होनी चाहिए स्कूल में, OEPT या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस
होना चाहिए सर्विसमैन में। तो पर मंथ की सैलरी दी गई आपकी 20,000 रुपये दी जाएगी। और जनरल एम्प्लॉय रेगुलर में जो दिया गया, हाई स्कूल पास पास होनी चाहिए, और सिलेक्ट कैंडिडेट जो मल्टी पास पर्सन जो जिसमें वर्क किए जाएंगे, जनरल एम्प्लॉय जो होंगे एम्प्लॉयज में आपके रेगुलर पोस्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक पोस्ट भी है। तो कुक, प्योन, रेवनर, वार्डनर, सफाई वाला, ग्राउंडर, तो सभी इसमें दी गई है। थर्ड की सैलरी जो दी गई है आपकी 18,000 रुपये पर मंथ दी गई है लेवल ए के लिए। और नीचे आप देख सकते हैं जनरल एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी गई है, तो इसमें 9,000 रुपये पर मंथ दी गई है। और नीचे आप जो देख रहे हैं अलाउंस में आपको क्लियर करके बता देता हूँ, थोड़ी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो रेंट आपको फ्री जाएगा, ट्रांसपोर्ट और डीडी प्लस मेडिकल आपको इसमें सभी के लिए फ्री दिया जाएगा। और सब्सिडी दो बच्चों एजुकेशन आपको इसमें दी जाएगी। और तीसरे पॉइंट आप देख सकते हैं, जो कैंडिडेट से बच्चे अप्लाई करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो फोटो कॉपी आपको लगानी है, सेल्फ अटैच करना है, एक्सपीरियंस जो भी इसमें, आपको एक लिफाफा लेना है बड़ा सा और एक छोटा लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको स्टैम्प लगाने 40 के अंदर इसको लगाने होंगे, उसका आपको डालना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, द प्रिंसिपल सैनी स्कूल चिंपेंगजी विलेज डिस्ट्रिक्ट सिरपुर मिजोरम। तो इस एड्रेस पर आपको फॉर्म सेंड करना है, और प्लस आपको डीडी बनाना है। जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 500 डीडी बनाएंगे, और जो नॉन एससी एसटी में है वो 300 रुपये डीडी बना के आपको सेंड करना है। किस नाम से आपको डीडी बनाना है देख सकते हैं, प्रिंसिपल सैनी स्कूल चिंपेंजी पेबल स्टेट का नाम सबको बनाना होगा। और किसी अंदर पर किसी जानकारी आप दोस्त चाहते हैं तो इसमें आप ये नंबर दिए भी गए हैं, इसके रिलेटिव में आपको पूछ सकते हैं इनसे। और रजिस्ट्रेशन आपको दिया गया है एसटी वालों के लिए, इसमें सब कुछ बताया गया है। फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसमें कोई एग्जाम सिलेबस नहीं है, आप इसमें इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं एग्जाम सिलेबस की। और जो फॉर्म भर के आपको सेंड करना है वो आपको इसमें बता दिया गया है, एसपी भर के आपको सेंड करना है बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं फॉर्म पे, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, शुरू में आपको यहाँ पर पोस्ट डालनी होगी, आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालना होगा चिंपैंजी का पूरा। डालने के बाद वो कैटेगरी डालनी होगी, कास्ट के अंदर आते हैं। तो ये वैकेंसी देख सकते हैं आप, जनरल एससी एसटी के लिए दी गई है। अब जो डीडी बनाएंगे, डीडी के अमाउंट डालनी है, नंबर डालना है और बैंक डालना है। यहाँ पर फोटो आपको लगाना, क्रॉस साइड आपको करना है, उसके बाद आपको फुल नेम में कैपिटल वर्कों में आपको नेम डालना है, फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जिस एड के डिटेल में आते हैं तो वर्ड में आपको यहाँ लिखना होगी अपनी एज लिमिट, फुल एड्रेस आपको लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा ध्यान रखेंगे, कॉन्ट नंबर ईमेल आईडी का बहुत ही ध्यान से डालेंगे, जो मेल द्वारा आपको बताया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर द्वारा बताया जाएगा आपको एग्जाम के बारे में। उसके बाद आपको डेट प्लेस डालनी है, कहाँ आपका जन्म हुआ है, इंडियन आप डाल सकते हैं, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आपको डालना होगा। यहाँ पर सभी डिटेल आप देख सकते हैं, अगर एम्प्लॉय रह चुके हैं आप तो एम्प्लॉय आप डिटेल अपनी फिल करनी होगी। एजुकेशन डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, तो हाई स्कूल, इंटर, आप यहाँ पर सभी डिटेल आपको भरनी होगी। उसके बाद नीचे दिए गए आप सी टेट, बी टी एड, जिस आपने क्वालिफिकेशन की हुई है या फिर अपना कर सकते हैं। पर्सनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस जो भी आपके लैंग्वेज आती है सभी आपको भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये जो पर्सनल डिटेल आपको दी गई है ये आपकी हाई स्कूल की भरनी होगी। यहाँ पर हाई स्कूल के चलते हुए यहाँ धीरे धीरे भी रखा है, यहाँ पर हाई स्कूल की यहाँ पर डालनी होगी सभी, हाई स्कूल, इंटर। उसके बाद यहाँ पर जो बी एड वगैरह आपने की हुई है, पर्सनल क्वालिफिकेशन सी टेट वगैरह आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद लैंग्वेज आपको दी गई है, आपको अपनी यहाँ फिल करनी होगी, क्या आपकी हॉबीज है, आपके यहाँ पर खेल सकते हैं, एक्स्ट्रा सर्कल आपको देखा है, एफिडेविट यहाँ पर आप लोग लगाना होगा। यहाँ पर और जानकारी भी हम दे सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, रेसिडेंस सपोर्ट लीड आपके पास सर्टिफिकेट आता है, यहाँ पर डाल सकते हैं। जो कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आप अपने फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, उसके बाद डेट यहाँ पर डालनी होगी जिसमें सेंड करते हैं, और आपको साइन करनी होगी। ये सिर्फ चीज आपको बता दी गई है, वीडियो फुल जानकारी आपको दी गई है। और किसी भी अगर समस्या दोस्तों आपको आती है वीडियो के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम सिलेबस नहीं दिया गया है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भर के सेंड करना है, और आपको जो नई जानकारी आपको पसंद ज़्यादा वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करा होगा आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी नई नोटिफिकेशन देखने के लिए। ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जब भी आपको नई नई वैकेंसी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर फॉर्म ऑप्शन निकाल सकते हैं। और मैंने पोस्ट आपको बता दी है, जनरल एससी एसटी के अंदर पोस्ट दी गई है, ओबीसी के अंदर कोई पोस्ट नहीं है इसके अंदर। तो डीडी बना के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भर के भेजने होंगे इनके दिए गए एड्रेस पर। यह एड्रेस आपको नीचे दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लगा कर सेंड करने होंगे,
तो सेल्फ टच फोटो को भी आपको करनी होगी, सब यहाँ पर डिटेल आपको बता दी गई है। फॉर्म के माध्यम से आपको कुछ जानकारी लेनी है तो इनके आप नंबर पर कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, और कुछ अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी। सभी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जाके अपना फॉर्म निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।